हमारे मुल्क के हालात तो इन्होंने ख़राब कर दिए हैं या ख़राब हो गए हैं, तो अब हर मुल्क से तो इमदाद ले ली, अब इंडिया रह गया कि इमदाद लेने के लिए। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया से इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या रिलेशन बेटर करने के लिए जा रहे हैं? यार इंडिया से इमदाद लेने से बेहतर है कि हमें डूब मरना ही चाहिए, ठीक है ना। जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनली आपको जितना वो जलील कर रहा है, आप बेहतर जानते हो यार, इंटरनेशनली हम लोगों को जलील नहीं कर रहा यार। वहाँ पे एप्पल वालों ने अपना स्टोर ओपन कर दिया है, मस्जिद वगैरह वो शोरूम्स अपने ओपन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो डूब मरने का मुकाम है ना। हम एक देखें जिनको हम लोग आंखें निकालते हैं, उनको बातें करते हैं हम लोग, जी ये इस तरह है उस तरह है और ये कर रहे हैं, तो उन्हीं से अगर हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं तो डूब मरने का मुकाम है। हमें खुद ही अपने आप को ही वो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको कट करना चाहिए। ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उनके साथ, इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने की ज़रूरत है या नहीं है मौजूदा सिनेरियो के? देखें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पे तो उसे कश्मीर पे आना चाहिए ना, ठीक है। कश्मीर के ऊपर उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए भाई इक्वल चलता है काम। देखें कश्मीर का मसले के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, तो सर हम इमरजेंसी जब हमारे हालात ख़राब होते हैं हम इमरजेंसी ट्रेड करवाते हैं इंडिया से, जब हालात ठीक होते तो उसी इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, क्या वजूहत है? एक तरफ, दूसरी तरफ बयान आते हैं कि हमने इंडिया के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी, यहाँ पर हम खड़े होकर बात तो कर लेते हैं लेकिन अंडर खाते के अंदर ट्रेड हो रही है, हम डायरेक्ट चीज़ें नहीं मंगवाते। सर देखिए क्या अलमिया क्या है कि यहाँ पर गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। टमाटर 250 रुपये के जी, प्याज 300 रुपये के जी, अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो प्याज हम इंडिया से ही ले रहे बजरिए दुबई के रास्ते। मैं बताता हूँ, देखें ट्रेड करनी चाहिए मगर बराबरी की सतह के ऊपर, ऐसा नहीं बराबर है। बराबर अभी तो नहीं, कोई चक्कर नहीं लग रहा हमें, बराबर आएंगे कहाँ पे आएंगे। इवन आप देखें आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं, बॉर्डर लगती हैं आपको अफगानिस्तान बोल गया, ईरान है आपके साथ, ईरान से क्यों नहीं आप लोग ट्रेड करते? किस चीज़ के ट्रेड? किसी हर तरह की करें ट्रेड, फ्यूल वगैरह क्यों नहीं लेते उनसे? आपको सस्ता नहीं मिलता क्या? वो टेंशन लगी यार, बॉर्डर के जरिए स्मगल भी तो हो रहा है ना, फिर उसको भी तो रोके ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉस नहीं हो रहा क्या? मैं मेरी फील्ड ऐसी है, मैं आपको कुछ बातें नहीं ऑन एयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। हम लोगों को सारा पता है, ये ट्रेड से रिलेटेड मेरी फील्ड है, एडवांसेस वगैरह जो मुल्क के इस टाइम पे हालात है ना वो आपको बयान नहीं कर सके। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है यार, अब हम लोग इस टाइम पे दिवालिया हो चुके हुए हैं तकरीबन। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? शमीम हैदर मेरा नाम। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर, हालात कैसे हैं, गुजारा कैसा हो रहा है? हालात तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के पिछले साल के अंदर जो क्राइसिस है ख़ास तौर पर वो तो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से प्राइसिस हाई हो रही हैं चीज़ों की, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और मुल्क के अंदर जो है वो लॉलेसनेस है, तो उसकी वजह से हालात तो टाइट हैं, इसमें कोई झक वाली बात नहीं है। सर हालात अभी ठीक होने जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब अभी इंडिया का दौरा करेंगे एससीयू की मीटिंग के लिए, अभी इनविटेशन आई थी कुछ टाइम पहले तो उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट करके तो अभी इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या ये दौरा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, दौरा करने में तो कोई मजायका नहीं होना चाहिए, जो आपकी खारजा पॉलिसी है ये उसका पार्ट है कि आप लोग अपने कंट्रीज़ के साथ मिलें, उनके साथ बात करें। लोग वही तरक्की कर रहे हैं, वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क की वर्थ क्या है। हमारा जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर की कितनी वो ब्यूटीफुल वर्ल्डिंग होगी, कितनी वो स्ट्रेटजिकली इम्पावर होगा, तो तभी इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है पिछले 75 ईयर से ये दौरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन दौरों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आपकी खारजा पॉलिसी जो है बड़ी क्लियर हो और जो भी गवर्नमेंट आए उसको इम्प्लीमेंट करे, तो देन फ़ायदा होता है। सर अभी हमारे इंडिया की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने 12 साल बाद इंडिया का दौरा किया किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने, तो वो इंडिया कहता है कि भाई जब आपके हालात सही होते हैं तो आप हमसे ताल्लुकात बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ट्रेड भी बंद कर देते हैं, जब आपके हालात ख़राब होते तो आप इमरजेंसी ट्रेड भी करवा लेते हैं हमारे साथ, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं वो बात सच्ची कर रही है या नहीं कर रही? वो सही कह रहे हैं, इस कह रहे हैं। आप ये देखिए कि 75 ईयर्स हो गए हमें आज़ादी लिए, तो हम किधर हैं और वो किधर हैं? तो एक्चुअली तो वो देखे कि उन्होंने पूरे इस्लामी ममालिक के साथ एक नेटवर्किंग की है, और वो इस्लामी ममालिक उसकी इकॉनमी की वजह से उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं, और आज वो जब अपनी करंसी के साथ इतने कंट्रीज़ के साथ जा रहा है तो वो बात ठीक कह रहा है, चाहे हमारा दुश्मन है, लेकिन हम बाज़ देखें कि
हमारी बात तभी ठीक होगी जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो तभी हमारी बात में वजन भी होगा और हमारे दौरे भी कामयाब होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि तब तक दौरे इनको नहीं करने चाहिए जब तक ये अपनी मुआशी हालात को जो है वो बहुत बेहतर ना कर ले। ये एक टूल है, बाकी तो वो मुल्क जो है उस मुल्क को बिल्कुल करना चाहिए, उसका राइट है। उसने ट्रेड में बहुत ज़्यादा एम्पावर किया अपने आप को, और फिर उसने गवर्नमेंट का जो एक कंसिस्टेंसी है वो देखे कितनी ज़बरदस्त रखी है। वो आर्मी अपना काम कर रही है, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और आवाम जो अपना काम कर रही है। आपको पता है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, आप रेंज रोवर के नाम ले लें, हर चीज़ इंडिया के अंदर ही बनती हैं हर चीज़ें। और हमारे पास क्या सर, एप्पल स्टोर भी चला गया इंडिया के अंदर, कल की न्यूज़ है, पूरी दुनिया के अंदर ये खबर जा रही है। जो कि आईफोन के जो फाउंडर हैं वो खुद भी इंडिया विजिट कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि देखो, किसी भी मुल्क ने जब अपने आप को डेवलप्ड करना है ना, तो उसने सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। तो उन्होंने डे वन से एजुकेशन सिस्टम को इतना डिवेल्प किया कि जब भी हम देखते हैं तो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेट किया, उनको टेक्निकली साउंड किया, और वो दुनिया में राज कर रहे हैं। और हमने क्या किया, अभी तो हम अपना सिलेबस नहीं क्लियर कर पा रहे, तो ये हमें मसाइल जब तक हम ठीक नहीं कर सकते, हमें उनका कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा वो विजन रखते हैं हमारे हुक्मरान, आप देख लें कितना विजन रखते हैं, वो आपके सामने ही है। तो सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इकट्ठा बैठने को बंदा तैयार नहीं है, तो वो कैसे हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर हो सकते हैं। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एंड इंडिया की तरफ से इनविटेशन आई है एससीयू की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए, ये दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुक जो हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि हम साए के साथ अगर आपके ताल्लुक नहीं ठीक तो फिर आप सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? सर वो कहते हैं कि हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करने में 12 साल के बाद जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब वो कह रहे हैं 12 साल के बाद जब आप लोग के हालात ख़राब हुए, अभी आप लोग हालात ठीक करना चाहते हो, इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे? नहीं, ये तो हमारा शुरू से अलमी क्या रहा है ना, यानी कि हमें इर्द गिर्द के जितनी देर हमसायों के साथ, वो दोनों तरफ से होता है, यानी एक तरफ से हाथ ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से होता है, इंडिया भी करे और पाकिस्तान भी करे, तो इनको मिलजुल के रहना चाहिए और आपस में आवाम की तरक्की के लिए, ताकि सियासतदान जो है उनको आपस के झगड़ों की बजाय, मुल्की झगड़ों की बजाय वाम का कुछ करें। बिल्कुल सही होगा सर। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि 12 साल हो गए हैं कि सर हम ट्रेड उस वक्त करते हैं जब हमारे हालात ख़राब होते हैं, जब हमारे हालात ठीक होते हैं हम ट्रेड बंद करवा देते हैं। आपने देखा फ्लड आया पिछले टाइम, हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर मंगवाए, प्याज मंगवाए, अभी जब हालात ठीक है तो हमने ट्रेड बंद करवाई, लेकिन टमाटर और प्याज हम अब भी इंडिया से ले रहे हैं लेकिन बदरजे रास्ते के दुबई के, किस इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो ट्रेड तो हो रही है, यानी कि डायरेक्ट ट्रेड अगर हो तो उसमें फ़ायदा है मुल्क का, और जो घूम घुमा के चीज़ आती है उसमें टैक्सेस और दूसरी चीज़ें बढ़ के वो फिर महंगाई उधर की उधर रहती है। तो डायरेक्ट अगर ट्रेड हो तो उसमें वाम का ज़ाहरन फ़ायदा है। बिल्कुल सही हो गया सर। आने वाले टाइम के अंदर कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को, हम कैसे ठीक कर सकते हैं रिलेशन हमारे और पड़ोसियों के साथ बेहतर करना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान की तरक्की, इंडिया की तरक्की और आवाम की तरक्की के लिए ये खारजा पॉलिसी हमारी इस तरह की होना चाहिए कि इर्द गिर्द के जितने भी मालिक हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, सबके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने मुझे समझाया और मेरी ऑडियंस को भी, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? नदीम। नदीम सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, तो सामने देखिएगा थोड़े, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, न्यूज़ ये है कि 12 साल के बाद आज ये चांद चमका है। इंडिया की तरफ से इनविटेशन आया था एससीयू की मीटिंग के लिए, तो अभी बिलावल साहब नेक्स्ट वीक इंडिया जा रहे हैं एससीयू की मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, क्या समझते हैं आप एज आ पाकिस्तानी, ये दौरा अच्छा रहेगा या नहीं, अच्छा करना चाहिए दौरा या नहीं करना चाहिए, इस बारे में थोड़े से ऑडियंस को गाइड कीजिए। मेरे ख्याल में बिल्कुल करना चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी का ख्याल 12 साल के बाद आया?
देर आए दुरुस्त आए, चले अभी आ गया मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। सर बहुत सारे लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बाहर के लोग क्योंकि मैं बात करूं, और ये बाहर के लोग ये कह रहे हैं, अज्यूम करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई अब पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, आप लोग के सामने ही है, डॉलर कहाँ पर जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, जब पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस बात में कितनी सदाकत है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? इस बारे में नो कमेंट्स हैं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए कुछ किया जा रहा है तो उसमें डायलॉग्स में बेहतरी या डायलॉग्स होने चाहिए, बजाय इसके कि हम यहाँ पे बैठे रहें और आवाम के लिए कुछ भी ना कर पाए। इस बात में कितनी सदाकत है जो ये लोग कर रहे हैं? देखिए हर बंदे की एक अपनी अपनी सोच है, मैं तो इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। नहीं वाकई में ही जब हमारे फ्लड आता है, जब सैलाब आता है तो हम इमरजेंसी ट्रेड करवा लेते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम के अंदर हम ट्रेड बंद करते हैं इंडिया के साथ, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। सही क्या है, क्या होना चाहिए? सही है कि बस ठीक है, ओके कर रहे, इस पे नो कमेंट्स है। कमिट क्यों नहीं करना चाह रहे? बस ये बस इस पे नहीं करूंगा मैं। कुछ बताओ तो सही, क्यों नहीं करना चाह रहे? बस ठीक है ना, इस पे नहीं करूंगा मैं, बाकी जो है डायलॉग्स वहाँ पे जाके अगर मुल्क के हालात के लिए कुछ एक लॉजिक दे ना, एक बात होती है कि कमिट क्यों नहीं करना चाह रहे, कुछ बताएं तो सही। नहीं इस पे मैं कुछ कर ही नहीं चाह रहा, मेरे पास कमेंट नहीं है। नो कमेंट्स, चले बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत अच्छा लगा। फिल वक्त तो आजकल सुप्रीम कोर्ट ज़रा जोश में है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बड़ा एक अच्छा उन्होंने एक मजाकिया भी बयान दिया कि कल अगर ईद ना हुई तो समाअत करेंगे, इस पे जो हलाल कमेटी की तरफ से इशारे भी आना शुरू हो गए हैं कि भाई चांद देखो और ईद करो, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि भाई तमाम तर सियासी जमातें इकट्ठी हों और इस पर फैसला आपस में मशवरा कर लें। तो जिस तरह के हालात आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर आटा नहीं मिल रहा, हम ट्रेड नहीं कर रहे, क्या बिलावल भुट्टो कहीं ना कहीं जाकर हमारी ट्रेड खुलवाने तो नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर तो नहीं हो जाएंगे हमारे? अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान का क्या होगा, अगर क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए रिलेशन बेटर, इस बारे में क्या ख्याल आते हैं? देखिए रिलेशन तो बिल्कुल बेटर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत से ऐसे मुस्लिम जो हैं जो सिर्फ इसी वजह से पिछड़े हैं, हिंदू मुस्लिम की वजह से जो नज़रिया है। बाकी ये है कि बिल्कुल जाना चाहिए, बिलावल भुट्टो पर्सनली जो है वो पाकिस्तान के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मैं इसको बेहतर करूँ, लेकिन ये है कि बहुत सी कुवतें जो हैं वो उसमें इंटरफेयर भी कर रही हैं, जो नहीं भी करने दे रही, लेकिन हम तो पाकिस्तानी होने के नाते यही सोचेंगे कि बिल्कुल जाए, जाके उनके लिए अच्छी खुशहाली पाकिस्तान के लिए बात करे, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करे। अच्छा अभी तक जितना भी टाइम गुजरा हमारा 1947 से लेके अभी तक का, मुझे बात बताइएगा कि पीस के लिए कौन से मुल्क आगे हाथ बढ़ाता है, अगर आपके नॉलेज में है तो अपने नॉलेज के मुताबिक बताइएगा कौन से मुल्क आगे आता बढ़ चढ़ के भाई अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए? देखें ये तो जो सिर्फ कागजी तौर पे वो तो यूएन की असम्बली में से नेशनल असम्बली जो हमारी करारदाद पास कर देते कि हम जो है यूएन के कानून के मुताबिक जा रहे हैं, हमारे इधर अमन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बाकी इसमें जो चीन और सऊदी अरब है वो एक किरदार अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अमन होना चाहिए, ये जो मसला कश्मीर है इसको भी अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदादें उनके मुताबिक इसको ढहाना चाहिए। मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बस रमज़ान है, परसों ईद है, अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए। बिल्कुल सही होगा। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा वकील साहब आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो बात बता रहा हूँ कि हमारे पास इस टाइम डॉलर्स नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ही अब मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कल की न्यूज़ में आपको बताता चलूँ, जो कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, और जापान बांग्लादेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहा है इंडिया की मदद से। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। सर मुश्किल वक्त में हमसाये काम आते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया से नहीं करनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ बराबरी की सतह पर करनी चाहिए, ठीक है ना? वो आप देखें पाकिस्तान के बारे में वो कभी भी नहीं खुश होगा, पाकिस्तान